दोस्तों मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी को पद्म विभूषण अवार्ड मिला और इधर डिंपल यादव और अर्पणा यादव में ट्विटर पर बहस हो गई। जी हाँ, अवार्ड को लेकर के, नेताजी के अवार्ड को लेकर के जो बहसबाजी हुई है ट्विटर पर ट्वीट हुआ है उसको मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस प्रकार से अर्पणा यादव ने कहा और किस बात का कटाक्ष करते हुए डिंपल यादव ने क्या कहा। और दोस्तों ये अवार्ड नेताजी को दिया गया है, इसके मायने क्या है? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि इसके मायने सीधे सीधे राजनीतिक तौर पर देखे जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से खेल खेलती है जनता नहीं समझ पाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुलायम सिंह का जो कद है उसको बनाने के लिए, उसको अपनी तरफ करने के लिए भाजपा ने उनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया। दोस्तों सबसे मेन चीज ये है कि उनका जो कद है वो किस अवार्ड के लिए है, किस सम्मान के लिए है? नेताजी ने जो काम किए हैं जनता के लिए, दबे कुचलों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए, उससे तो ये लगता है कि उनका जो भारत रत्न से सम्मान होना चाहिए था, बीजेपी सरकार को उनको भारत रत्न देकर के सम्मानित करना चाहिए था और उन्हें दिया गया पद्म विभूषण। इसी बात को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी का जो कद है वो भारत रत्न लायक है, भारत रत्न के योग्य है, वो भारत रत्न देना चाहिए, सरकार को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। उसी डिंपल यादव की बात को लेकर के अर्पणा यादव ने ट्वीट किया और कहा जो दिया गया है वो सही है और जो मिलना है उसे सम्मान पूर्वक रख लेना चाहिए। इसी का कटाक्ष करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अगर जो मिलना है उसे सम्मान से रख लेना चाहिए तो अर्पणा यादव फिर बीजेपी में क्यों चली गई? जो सपा में मिल रहा था उसको वो सम्मान से रख लेती, सम्मान से क्यों नहीं रखा, बीजेपी में क्यों गई? ऐसा कटाक्ष किया गया है तो अर्पणा यादव को डिंपल यादव उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने घेरा और उन पर तीखे हमले किए। इसको देखते हुए लोग जागरूक भी हुए हैं कि ये एक छलावा है, छलावा मात्र है जो नेताजी को अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण का। उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए और उनका कद भी भारत रत्न लायक है।